Hello everyone, this is Sujit Naik and right now we are learning about grammar and of course we are learning right now pronouns. Okay, so before we start, I just ask you some questions like how you are doing and how your parents are they doing well, are you doing well, and are you following the safety rules. I hope everything is going on well. So move forward. Before we learn about pronouns, we need to learn about noun. Noun, pronoun, एक जैसे word हो रहे हैं ना, noun, उसमें pro लगा दो तो वो क्या हो गया, pronoun. So हमारा जो पहला class था वो noun का था. याद करो, nouns are the names of people, animals, places and things, right? याद आया? आई होप आपको याद भी आ गया. सो द नाउन इज नेम ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स. ओके, सो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा. तो नाम जो है किसी का भी नाम हो सकता है, वो इंसान का नाम हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है, प्लेसेस का नाम हो सकता है या फिर थिंग्स का नाम हो सकता है. ओके, इन दिस वर्ल्ड ईच एंड एवरीथिंग हैविंग इट्स ओन नेम एंड वी आर कॉलिंग बाय द नेम ओनली. ओके, सो द नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स. एंड नाउ द प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, लेट अस सी. प्रोनाउन्स हेल्प अस रेफर टू अ पर्सन, एनिमल और थिंग विदाउट रिपीटिंग देयर नेम अगेन एंड अगेन. प्रोनाउन जो है वो रेफर करता है किसी को, किसी इंसान को, एनिमल को, चीज को, उसकी जो नाम है ना उसको अगेन एंड अगेन हम उसको रिपीट ना करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं. चलो, अभी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, कोई इशू नहीं, अब थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से सुनो. ठीक है, वेल, लुक एट हियर, we have two pictures, right? Two pictures and something written about the those pictures. Look at these pictures, read the sentences. Let us read. Faisal is my friend, he studies with me. Faisal mera dost hai, wo mere sath padhta hai. Okay, Faisal kisi ladke ka naam hai, that means that is noun. Theek hai, Faisal noun hai. Faisal jo word hai wo kisi ka naam hai, iska in the sense kya hai, wo ek noun hai. एंड ही स्टडीज विथ मी, और फेजल की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया, ही इस्तेमाल किया, हमने फिर से फेजल नहीं लिखा. ओके, वेल, अभी एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो, सेकंड वाला पिक्चर को हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, सुमेधा इज अ टीचर, सुमेधा इज अ टीचर, सी ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे. सुमेधा टीचर हैं और वो क्या करती है, वो अपनी काम के लिए हर दिन गाड़ी चला के जाती है. ठीक है, सो इफ यू विल सी, सुमेधा इज द नेम, सुमेधा किसी का नेम है, इन द सेंस क्या है, ये एक नाउन है और इस नाउन की जगह जिस वर्ड को हम यूज करेंगे उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे. जैसे कि सी ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे, हमने सुमेधा ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे ये लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बार बार नाम नहीं लिखा जाता, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है. ठीक है, ऑकवर्ड इन द सेंस क्या होता है कि वो समझ में नहीं आता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेट अस सी. द डॉग इज हैप्पी, इट इज वैगिंग इट्स टेल्स. द डॉग इज हैप्पी, इट इज वैगिंग इट्स टेल. ध्यान से सुनो कि डॉग हैप्पी है, जो कुत्ता है ना वो खुश है और यह अपनी टेल को हिला रही है या फिर हिला रहा है. ठीक है, सो डॉग की जगह पे हमने क्या यूज किया, इट यूज किया. पहले तो हमने डॉग बोला, डॉग किसी का नाम है, एक जानवर का नाम है. ठीक है, तो डॉग जो है वो एक जानवर का नाम है, तो इसको हम नाउन बोलते हैं और इस नाउन की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया, इट. सो इट इज कॉल्ड प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. टू बॉयज आर दे प्लेइंग, राजू एंड आई आर फ्रेंड्स. राजू और मैं हम दोस्त हैं. ठीक है, वी प्ले टुगेदर. राजू एंड आई आर फ्रेंड्स, वी प्ले टुगेदर. राजू किसी लड़के का नाम है, आई
मतलब मुझे समझते हैं, यानी कि ये भी एक नाउन है, ठीक है। और राजू एंड आई की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया वी, ठीक है। राजू एंड आई ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों नाउन्स थे, और इन नाउन्स के बदले में हमने जो वर्ड को यूज़ किया उसको बोलते हैं हम प्रोनाउन, दैट इज वी, अंडरस्टूड। अरुणा, अरुणा एंड हर मदर, अरुणा एंड हर मदर दे आर इन द मॉल, अरुणा एंड उसकी मम्मी दोनों क्या कहाँ पे हैं, वो दोनों मॉल पे हैं। दे आर बाइंग क्लोथ्स, वो क्या खरीद रहे हैं, वो क्लोथ्स खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अरुणा और मम्मी की जगह पे हमने क्या यूज़ किया, दे यूज़ किया, वह, ठीक है, वह लोग कपड़े खरीद रहे हैं, ठीक है। सो अरुणा और मम्मी की जगह पे हमने दे यूज़ किया, और अरुणा और मम्मी, अरुणा एंड हर मदर, मदर अरुणा ये दोनों क्या हो गए, ये नाउन्स थे, और हमने क्या यूज़ किया, हमने उनके जगह पे दे यूज़ किए, सेकंड सेंटेंस में हमने दे यूज़ किए, सो दे हो गया हमारा क्या, प्रोनाउन, अंडरस्टूड। चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज देखते हैं। हम यहां देखते हैं द वर्ड ही इज यूज इन प्लेस ऑफ फेजल, द वर्ड ही इज यूज इन प्लेस ऑफ फेजल, फेजल की जगह पे हमने ही यूज किया, फेजल जो कि एक बॉय है, इसके लिए हमने ही यूज किया। द वर्ड सी यूज इन प्लेस ऑफ सुमेधा, सुमेधा की जगह पे हमने सी यूज किए, ठीक है, और सुमेधा एक गर्ल है, अंडरस्टूड। द वर्ड इट यूज इन प्लेस ऑफ डॉग, डॉग एक एनिमल है, एंड डॉग की जगह पे हमने क्या यूज किया, इट यूज किया, यह, ठीक है। द वर्ड वी यूज इन प्लेस ऑफ राजू एंड आई, राजू एंड आई की जगह पे हमने क्या यूज किया, वी यूज किया, क्या यूज किया, वी, और वी क्या होता है, वो एक प्रोनाउन है, ठीक है। वेल द वर्ड दे इज यूज इन प्लेस ऑफ अरुणा एंड हर मदर, जो वर्ड दे है ना वो कहाँ यूज होता है, अरुणा और उसकी मम्मी की जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। दे हमने वह यूज किया, अरुणा और मम्मी को दिखाने के लिए हमने वह यूज किया। तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन होता क्या है। एक्चुअली नाउन को बताने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, यानी कि नाउन के जगह पे कोई अगर दूसरा वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन, अंडरस्टूड।